ये रेड ऑक्साइड प्राइमर के अंदर हमने ब्लैक पेंट मिला दिया, ये बचा हुआ रहता है ना, ये थोड़ा हमने मिक्स कर दिया। इससे क्या होगा, प्राइमर थोड़ा और हार्ड हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो जो भी पेंट बचा हुआ हो इसमें मिला सकते हैं। रेड ऑक्साइड के अंदर ब्लैक डालने से थोड़ा सा कलर चेंज, देखा होगा जब हमने स्प्रे किया तो उसका कलर थोड़ा सा अलग था। आप सोचते होंगे कि ये तो रेड ऑक्साइड है लेकिन ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेंट मिक्स कर दिया, क्योंकि बच जाता है ना, और थोड़ा सा डालने से ये और थोड़ा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप लकड़ियों पे कर सकते हैं, ये वाले ये वाइट प्राइमर है बर्जर का, ये लकड़ियों पे करने के लिए। इसमें क्या होता है, ताप विनाइल मिला सकते हैं, लेकिन जहाँ छोटे छोटे बच्चे हो ना वहाँ ये मत करें। कोई सा भी पानी वाला प्राइमर हो उसमें थोड़ा सा इमल्शन मिला दीजिए, हो जाएगा। और आप लोग कई बार पूछते हैं ना कौन सा तारपीन तेल यूज़ करना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, 100 रुपये लीटर है बॉस्को का। ये शाइन भी अच्छा देता है पेंट ये मिलाने से, और जल्दी सूखता भी है। ग्लव्स जरूर पहन के काम करें, जब आप स्प्रे करें तो इसको ज़रूर पहन लीजिए, चाहे एनामेल पेंट हो या पानी वाला। इसके अंदर कितने छींटे भरे हुए हैं, ऐसे ही आपके फेस पर आता होगा, ठीक है ना। कितना भी आप कपड़ा बांध लें, कुछ कर लें, लेकिन इससे क्या होता है, पूरा चेहरा आपका बच जाता है, ठीक है ना, आँख नाक कान मुंह पूरा बच जाएगा। देखो ना कितना लगा हुआ है, एकदम बारीक, अभी बेकार हो गया। इसको वन टाइम यूज़ करके फेंक दीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से हमने तो बहुत सारा खरीदा है, आप चाहें तो, क्योंकि 50 रुपये का एक है जो कि महंगा भी नहीं है, ठीक है ना। आप यूज़ करें, बहुत अच्छा है। और 1 लीटर प्राइमर में 1 लीटर टारपीन ऑयल मिलाएं तो स्प्रे में अच्छा चलेगा, ठीक है। अभी हम करके दिखाते हैं आपको।